हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पार्ट 4। इन प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो आर्म और मुराद हैं दोनों कज़न, वो हॉर्स राइड करते हैं और वो काफ़ी जगह से गुजरते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, नाउ वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 4। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड। आप मुराद के बाद उसके कज़न की बारी थी, नरेटर की बारी थी हॉर्स राइड करने की, तो उसने किक किया उसकी हॉर्स की मसल पर और फिर से वो अपने दोनों पैरों पर हॉर्स खड़ा हो गया और जो अपनी साउंड है वो निकालने लगा। देन इट बिगिंस टू रन। अब हॉर्स ने रन करना, दौड़ना स्टार्ट किया। आई डिडंट नो वॉट टू डू। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूँ। इंस्टीड ऑफ रनिंग एक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड्स ऑफ डिक्रेन हैलिबियंस वेयर इट्स बिगिंस टू लीप और वाइन्स। और अब ये जो हॉर्स है, ये इरीगेशन जो डिच हैं, सिंचाई वाली जहाँ से पानी निकलता है, वैसे गड्ढों से होते हुए अंगूर का जो पेड़ था और जो बगीचा था वहाँ से होते हुए डिक्रेन हैलिबियंस जगह से होते हुए वो वाइन्स के जंगल से निकला। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और यहाँ पे हॉर्स ने लगभग 7 जो बेल थी वो तोड़ दिया था। आई फेल, और मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, परंतु वो लगातार दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा कज़न मुराद है वो वहाँ पे दौड़ते हुए रोड के पास आया। आई एम नॉट वरेड अबाउट यू। मैं तुम्हारे लिए वरेड नहीं हूँ, ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स। अब उनको क्या करना था, हॉर्स चाहिए था। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। हॉर्स है वो कहीं चला गया था, वो बोलता है कि तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हॉर्स मिले तो उसके साथ बहुत ही काइंडली बिहेव करना। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. अब वो हॉर्स को ढूंढते हुए रोड की तरफ आ गए और फील्ड खेतों की तरफ, और उसको इरीगेशन डिच के पास ढूंढा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. लगभग हाफ एन आवर में उन्होंने उसको ढूंढ लिया और वो वापस लेके आ गए। All right, he said, jump on. उसने कहा ठीक है। द होल वर्ल्ड इज वर्क हो ना, अब पूरा जो दुनिया है वो जाग गई है, सुबह हो गई है। वट विल वी डू, अब हम क्या करें। आई सैड, विल ही सैड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और राइड हाइड हिम एंटिल टुमारो मॉर्निंग। और इसको अभी हमें क्या करना होगा, कहीं छिपाना पड़ेगा सुबह तक। ही डिडेंट साउंड वरीड एंड आई नो हीड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट। और उन्होंने कहा कि हमें इसको छुपाना इतना आसान नहीं है और ना ही हम इसको वापस भेजेंगे। वेयर विल ही वी हाइड हिम आई सैड। मैंने कहा कि इसको कहाँ छुपाएंगे। आई नो पैलेस प्लेस ही सैड। मैंने कहा कि एक जगह है, मैं जानता हूँ। एंड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सैड। मैंने कहा कि तुमने ये हॉर्स है ये कितने टाइम से तुम्हारे पास है, मतलब कब से तुमने इसको चुरा के रखा है। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम। आई हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही नो हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। और उसने कहा कि ये तुम्हारे पास लगता है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो बोलता है कि मैं तो इसी मॉर्निंग से इसके ऊपर राइड कर रहा हूँ। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स ही सैड। उसने कहा कि कौन कहता है कि हॉर्स हमने चुराया है। एनी हाउ आई सैड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि अब हम इससे डेली मॉर्निंग राइड करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ इग्नोर दिस मार्क, रेड पेन मार्क्स। नोट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सैड, कि हम तो इसी मॉर्निंग से इसके ऊपर राइड कर रहे हैं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सैड। मैंने कहा कि तुम सच बोल रहे हो। ऑफकोर्स नॉट, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सैड बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें यही बताना है कि हमें इसी मॉर्निंग से इसके ऊपर राइड की है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर।
हम दोनों झूठे नहीं बन सकते. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हम लोगों ने हमें तो पता है कि हम लोगों ने इसी मॉर्निंग से राइड स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि इस मॉर्निंग से सिर्फ उसके कज़न ने, जो नैरेटर है, उसी ने राइड स्टार्ट की है. मुराद है तो शायद काफ़ी मॉर्निंग से वो राइड कर रहा होगा. ऑल राइट, आई सेड. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बैन. बैन मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड. अब वो हॉर्स को ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे डेजर्टेड था, वहाँ पे पशुओं को रखा जाता था और अंगूर के जो खेत थे वो थे. हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फैतावेजिन. फैतावेजिन एक फार्मर था, वो वहाँ पे पहले रहता था जहाँ पे अब हॉर्स को रखा जाएगा. देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बैन. वहाँ पे कुछ ओट्स और अल्फाल्फा के ट्रीज थे जो हॉर्स खा सकेगा. वी बिगेन वॉकिंग होम. अब हम घर को चले गए. इट वॉज नॉट ईजी ही सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स. तो ये सब ईजी नहीं था इस तरह से हॉर्स को छुपा लेना. आई कैंट गेट वॉन्ट टू द एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू. हॉर्स अंडरस्टैंडेड मी. और उसने कहा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं हॉर्स को अच्छी तरह से, मतलब हॉर्स मुझे अच्छी तरह से समझते हैं. हाउ डू यू डू इट आई सैड. मैंने कहा तुम ये कैसे कर लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सैड. उसने कहा कि मुझे घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं घोड़ों को समझता हूँ. यस बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सैड. मैंने कहा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो. ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड. मैंने कहा कि एक सिंपल और ऑनेस्ट होने की वजह से मेरा हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है. वेल आई सैड. मैंने कहा आई विश आई नो हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स. मैंने सोचा कि तुम्हारी तरह काश मैं भी घोड़ों को समझ पाता, हॉर्सेस को समझ पाता. यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सैड. उसने कहा कि तुम अब छोटे बच्चे हो. वेन यू गेट टू बी 13 यू विल कम हाउ टू डू इट. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम ये सब कर पाओगे. आई वेंट होम एंड एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट. हम घर आ गए और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोस केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. अब आफ्टरनून का टाइम था, मेरे जो अंकल खोसरो थे वो घर पे आए और कॉफ़ी और सिगरेट्स दोनों पी रहे थे. ही सैट इन द पार्लर. पार्लर मीन्स सिटिंग रूम, बैठने के लिए. सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. वो पी रहे थे और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे थे और ओल्ड कंट्री को याद भी कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. तभी एक दूसरा विजिटर वहाँ पे आया. ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. वो एक फार्मर था, उसका नाम था जॉन बायरो. एंड एशियंस हु आउट ऑफ द लोनलीस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. उसने आर्मेनियन भी सीखी थी और एशियंस जो लैंग्वेज है वो भी सीखी थी, इसलिए वो यहाँ पे आर्मेनियन भाषा में बोल रहा था. उसको मजबूरी में ये भाषा सीखनी पड़ी. माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू एंड ही रोल्ड ए सिगरेट्स एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट सिंगिंग सैडली ही सैड. अब वो भी उसकी मदर जो विजिटर आया था उसके लिए भी तंबाकू और कॉफ़ी ले आई और अब भी उसने भी ये सब पीना स्टार्ट किया और बहुत ही सैडली उसने कहा माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पिछले एक महीने से मेरा वाइट हॉर्स है वो गुम हो गया है. देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसका हॉर्स को गुम हुए लगभग एक महीना हो गया, तो यहाँ पे मुराद लगभग शायद एक महीने से उसकी राइड कर रहा है. माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड. अब ये वही अंकल है जो बात बात पे वो बोलता है कि इसमें ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ये कोई हार्म वाली बात नहीं है. तो मेरे अंकल खोसरो फिर इरीटेट होकर चिल्ला कर बोलते हैं इट्स नो हार्म. इसमें क्या नुकसान की बात है. वॉट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स. तुम्हारा घोड़ा ही तो लॉस हुआ है. हैव नॉट वी आर लॉस्ट द होमलैंड. तुमने अपना होमलैंड तो नहीं खो दिया है, मतलब अपनी मातृभूमि तो नहीं खो दी है. वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स. कैसे तुम एक हॉर्स के लिए रो रहे हो. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर. एक
एक सिटी ड्वेलर के लिए तो ये बहुत अच्छा है टू से, मैंने कहा। जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सॉरी सॉरी मतलब जो सूरी मतलब होते हॉर्स कैरेज, लेकिन ये सिटी ड्वेलर जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो एकदम ईजी है, लेकिन अब मेरा उस कैरेज का क्या होगा, हॉर्स है वो चोरी हो गया, इसलिए जो मेरा सॉरी था जो कैरेज था अब उसका क्या होगा। वॉट गुड इज शॉरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के उस कैरेज का कोई मतलब नहीं है। अब फिर बोलते पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड, अब बोलते कि ध्यान मत दो मेरे अंकल खोसरो, फिर से चिल्लाते हैं आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, और वो आदमी फिर बोलता है जिसका हॉर्स बायरो जो जॉन बायरो है कि मैं यहाँ पे 10 miles चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड, और मेरे अंकल खोसरो फिर से चिल्लाते हैं कि तुम्हारे पैर तो हैं जो तुम यहाँ से चल के आए हो, अपने पैरों पे ही तो चल के आए हो। तो इस तरह से वो फिर से इरिटेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 4, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 5। ओके थैंक यू।